हेलो एंड नमस्ते एवरीवन सो टुडे वी विल स्टार्ट द इम्पॉर्टेंट फोर्ट्स ऑफ राजस्थान जैसे कि कल हमने स्टार्ट कर ही दिया था लेकिन हमने फोर्ट्स डिस्कस नहीं किए थे बट येस वी कवर्ड दैट

और अगर कोई न्यू है तो ये भी मैं आपको बता दूं दैट दिस इज़ द बुक विच इज़ फ्रॉम बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर सो काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है एंड क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको इस बुक से मिल जाएंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट ये आप देख सकते हैं पहले आप फोर्ट ये देख लीजिए तो आपको थोड़ा सा और याद भी रह जाएगा खास करके इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियोज़ हैं तो ये आप चित्तौड़गढ़ फ़ोर्ट देख सकते हैं कि कितना आलिशान और कितना खूबसूरत है तो चित्तौड़ फोर्ट जिसको गर्व कहा जाता है राजस्थान का सबसे एंशेंट और सबसे इंपॉर्टेंट फोर्ट है हिल्स पे बना हुआ है आप देख सकते हो हिल पे बना हुआ है डेली से लेके मालवा गुजरात तक जब जाते हैं तो इसकी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी एंशियंट एंड मिडियवल पीरियड के टाइम पे वीर विनोद के अकॉर्डिंग ये जो फोर्ट है ये किसने बनवाया था चित्रांग ने बनवाया था चित्रांगंद मौर्य किंग थे जिन्होंने इसका नाम रखा चित्रकूट और फिर इसका बाद में नाम रखा गया चित्तौड़ बप्पा रावल जो कि गुहिल डेनेस्टी के फाउंडर थे जो कि हमने पूरी गुहिल डेनेस्टी भी कवर की है जो वीडियोस को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट देख सकते हैं राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर वाली उसके अंदर आपको सभी वीडियोस मिल जाएंगे तो बप्पा रावल जो थे उन्होंने मनमान मोड़ी को हराया था और फिर चित्तौड़ को कैप्चर कर लिया था एट्थ सेंचुरी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसको कैप्चर किया था और इसका नाम खिजरबाद रख दिया था तो ये वही है जिसको इतने सारे लोगों ने जीता है एंड एट लास्ट दिस इज़ द प्राइड ऑफ राजस्थान मैसा के पठार पे ये बना हुआ है इसको क्राउन कहा जाता है सभी फोर्ट्स का एक ओल्ड एक कहावत है इसके लिए गढ़ तो चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ मतलब अगर कोई गढ़ देखने लायक है तो वो चित्तौड़गढ़ है बाकी तो सब बस ऐसे ही बना दिए गए हैं तीन साके इसके अंदर हुए साके में जहाँ पे जौहर होता है और केसरिया होता है सबसे पहले थर्टीन जीरो थ्री में जब अलाउद्दीन खिलजी ने इस पे अटैक किया दूसरी बार फिफ्टीन थर्टी फाइव में जब गुजरात रूलर बहादुर शाह ने अटैक किया एंड थर्ड टाइम अकबर ने फिफ्टीन सिक्सटी एट के अंदर तो ये आप ध्यान रखेंगे कैसे ध्यान रखोगे ए बी ए से ध्यान रख लेना सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने फिर बहादुर शाह ने और फिर अकबर ने ठीक है पहले थर्टीन हंड्रेड में फिर फिफ्टीन थर्टी फाइव में फिर फिफ्टीन सिक्सटी एट में रानी पद्मिनी ने यहाँ पे जोहर किया आपने मूवी भी देखी होगी वीर जैमल राठौड़ एंड पत्ता सिसोदिया उनकी कहानी तो अनपैरल्ड है आप उनकी कहानी जो है वो यहाँ पर सुनी जाती है देखी जाती है महसूस की जाती है कर्वड रैमपेट्स हैं इस फोर्ट के अंदर बड़े बड़े बेस्टियंस बड़े बड़े एंट्रेंसेस स्पाइरल पाथ है स्पाइरल पाथ है फोर्ट तक पहुँचने तक टेढ़ा मेढ़ा है और आप बिल्डिंग्स में देखेंगे तो तुजला माता का मंदिर है नवलखा भंडार है शाह की हवेली है श्रृंगार चवरी पैलेस है त्रिपोलिया गेट है कुंभा श्याम टेम्पल है सोमदेव टेम्पल है विजय स्तंभ है जो कि कुंभा ने बनाया था विजय स्तंभ भी यहीं है क्वीन पद्मनी का पैलेस है गोरा बादल का पैलेस है चित्रांग मोरी पौंड है जैन कीर्ति स्तंभ है वो सब यहीं पर आपको देखने को मिलेगा सो दिस इज ऑल अबाउट चित्तौड़गढ़ फोर्ट नाउ वी विल रीड अबाउट कुंभलगढ़ संबंध। तो अगर इसका पिक्चर नहीं है तो कुंभलगढ़ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है महाराणा कुंभा ने इसको बनाया था गिरी दुर्ग है ये मेवाड़ और मारवाड़ के बॉर्डर पर बना हुआ है नियर सादड़ी विलेज सादड़ी विलेज के अंदर मंडन इसके चीफ आर्किटेक्ट हैं थर्टी सिक्स किलोमीटर का एक रैम्पर्ट है जिससे एक कवर्ड है इसकी जो दीवारें हैं आसपास की डिफेंस वॉल इतनी चौड़ी हैं कि आठ घुड़सवार वहाँ से साथ साथ में निकल सकते हैं वॉच टावर्स क्रेनलेस कुंबलगढ़ को एट्रिकसन एरिकसन का जो आर्किटेक्चर है जो कॉलोनियल टोड ने बनाया उससे कंपेयर किया जाता है तो कुंभलगढ़ को आप कुंभलगढ़ में देखिए कुम से एम से ध्यान रख लेना मंडन ने इसको बनाया था बाव बाउडी कुम स्वामी विष्णु टेम्पल झाली रानी माल्या देव पॉन्ड छत्री ऑफ राजकुमार पृथ्वीराज राठौड़ ये सब आपको देखने को यहां पर मिलेगा दो इंपॉर्टेंट इवेंट्स यहां पर हुए थे एक तो उदय सिंह का जब कोरोनेशन हुआ था और राणा प्रताप जी का जन्म तो कैसे याद रखेंगे कुंभा के अंदर देखो यू भी आता है सेकेंड नंबर पे ही तो यू से आप उदय सिंह ध्यान रखिएगा एंड उदय सिंह के बाद ही आप प्रताप ध्यान रखिएगा फोर्ट के अपर एंड की बात करें कटारगढ़ यहाँ पर कुंभा का रेजिडेंस और अबुल फजल ने यहाँ पर ये लिखा है कि अगर कोई इसको देखता है तो उसकी पगड़ी भी गिर जाती है सो दिस इज़ ऑल अबाउट कुम्भलगढ़ फोर्ट तो कुंभलगढ़ का किला है जो कि राजसमंद के अंदर है गिरी दुर्ग मेवाड़ मारवाड़ के बॉर्डर पर सादड़ी विलेज के पास मंडन इसके आर्किटेक्ट हैं थर्टी सिक्स के किलोमीटर्स का रैमपेट है एट्रिक्सन से इसका कंपैरिजन किया गया है उदय सिंह और राणा प्रताप का यहाँ पे जन्म हुआ उदय सिंह का कोरोनेशन हुआ कटारगढ़ यहीं पर ही है और अबुल फजल ने इसके बारे में जो बात कही है वो आपको ध्यान रखनी है अब बात करते हैं रंथम बोर किले के बारे में रंथम बोर फोर्ट के बारे में जो कि है माधोपुर के अंदर तो आर सी आर सी, आर सी आप ध्यान रखिए आर सी चौहान रूलर्स ने इसको बनाया था रंथन देव चौहान ने इसको बनाया था तो आर से रंथनबोर आर से रंथन देव चौहान नाम याद रह जाएगा हमीर देव चौहान जिनके बारे में हमने बहुत पढ़ा अगेन आई एम टेलिंग यू राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर की आप वीडियोज़ देखिए हमीर देव चौहान जिनकी अलाउद्दीन खिलजी के साथ लड़ते लड़ते डेथ हो गई थी लेकिन वो अपनी बात से हटे नहीं थे इस आर्किटेक्चर में खास बात यह है कि गिरिदुर्ग और वन दुर्ग दोनों की खासियत आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी फजल ने इसे आर्मर्ड फोर्ट बख्तरबंद दुर्ग कहा है तो ये ध्यान रखने वाली बात है काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं यहाँ पर जैसे कि हमीर महल रानी महल हमीर कोट, सुपारी महल बत्तीस खम्बा छतरी जोगी महल पीर सदरुद्दीन दरगाह एंड गणेश मंदिर सो दिस ऑल यू हैव टू कीप इन योर माइंड बख्तरबंद तो इसको आप ध्यान रख लीजिएगा रंथम है तो आपको भ दिखाई देगा तो भ से ही बख्तरबंद भी आप थोड़ा रिलेट कर सकते हैं नाउ सिवाना फोर्ट बाड़मेर के अंदर है छप्पन के पहाड़ पर बना हुआ है फेमस फोर्ट है सिवानो किसने बनाया वीर नारायण ने बनाया इसको तो इसको कैसे ध्यान रखोगे देखो यू वी डब्लू तो वी डब्ल्यू सिवाना के अंदर डब्ल्यू आता है वी से वीर नारायण तो कुछ ऐसे ऐसे ट्रिक्स लगा के आप याद कर सकते हैं जब अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली में कूच कर रहे थे तो सिवाना फोर्ट कान्हड़ देव के कान्हड़ देव का जो नेफ्यू था सीतल देव उनके चार्ज में था उनकी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खिलजी ने अटैक किया थर्टीन टेन के अंदर और सातल देव की मृत्यु हो गई और जो किला था वो अलाउद्दीन के पास चला गया सिवाना फोर्ट जो है वो वो जगह है जहाँ पे जो मारवाड़ रूलर्स थे वो ज़रूरत के टाइम पे रेफ्यूजी लेते थे राव मालदेव भी यहाँ पर आए थे जब गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था और अलाउद्दीन फोर्सेस से वो लड़ रहे थे तो ये भी आपको ध्यान रखना है सिवाना यानी कि इसके सिवा किसी को सुमेल सिवाना ध्यान रखिएगा तो चंद्रसेन ने सिवाना फोर्ट को भी अपना मतलब बेस बनाया था तो चंद्रसेन एंड राव मालदेव आपको नाम दो ध्यान रखने हैं मालदेव एंड चंद्रसेन ने इस जगह को थोड़े दिनों के लिए अपना बेस बनाया था तारागढ़ फोर्ट जो कि है बूंदी के अंदर गिरीदुर्ग है ये भी माउंटेन पर है तारागढ़ फोर्ट एक तारे की तरह लगता है अगर आप ग्राउंड से देखेंगे तो एक तारे की तरह लगेगा ये राव बार सिंह ने इसको बनाया था तो बी से बूंदी बी से बार सिंह बर सिंह या बार सिंह जो भी हैं वो आप ध्यान रखिएगा वीर विनोद के अकॉर्डिंग महाराणा क्षेत्र सिंह जो थे वो उनकी डेथ हो गई थी बूंदी को जीतने में और जब महाराणा लाखा भी फेल्ड हो गए तो उन्होंने कोशिश की कि हम बूंदी को तबाह कर देंगे एंड ही गोटक और उन्होंने एक क्ले से ऐसा ही फोर्ट बनाया और उसको डिस्ट्रॉय कर दिया बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि कुंबा हाडा ने अपनी लाइफ तक मतलब दाव पर लगा दी थी इस फोर्ट को बचाने के लिए जो कि क्ले से बना हुआ था तो ये इससे रिलेटेड स्टोरी है जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड आपको ध्यान रखनी है तारागढ़ में आप बहुत सारे आर्किटेक्चर देखेंगे चित्रशाला देखेंगे जो कि महाराणा उम्मेद सिंह के टाइम पे बनाई गई जो कि एक एग्जांपल है बूंदी स्कूल ऑफ पेंटिंग का चौरासी खम्बों की छतरी शिखर बुर्ज फूल सागर नवल सागर सरोवर गर्भ गुंजन टॉप ये सब आपको बूंदी फोर्ट के अंदर देखने को मिलेंगे तो अब हमारे कुछ फोर्ट्स रह गए हैं लेकिन वो फोर्ट हम कल की वीडियो के अंदर कवर करेंगे क्योंकि फिर वीडियो थोड़ी लेंदी हो जाती है मोर देन हंड्रेड पेजेस आज हमने कवर कर लिए हैं इसी मंथ के अंदर कोशिश है कि आपकी ये बुक कंप्लीट हो जाए इस मंथ में भी नहीं होगी क्योंकि दिवाली है तो दिवाली के बाद मोस्ट प्रावली फिफ्टीन नवंबर ट्वेंटी नवंबर तक ये बुक आपकी कंप्लीट हो जाएगी एंड देन वी विल स्टार्ट पॉलिटी जोग्राफी एंड ऑल्सो इकनॉमिक्स सो थैंक यू सो मच टिल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फोगेट टू प्रेस द बेल आइकॉन थैंक यू